कराची की ही बात करें जहां पर स्ट्रीट क्राइम और वजीर आला सिंह भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि सुबह सवेरे स्ट्रीट क्राइम पर मीटिंग, अंदाजा करें कि हम कितने परेशान हैं। उनका ये कहना भी था कि ये बात इत्मीनान बख्श है कि टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी में नुमाया कमी आई है। वजीर आला सिंह की सदारत में स्ट्रीट क्राइम पर अहम इजलास में सीपीएलसी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कारें छीनने की वारदातें 25 पुलिस स्टेशन में ज्यादा दर्ज की जा रही है। मोबाइल फोन्स, बाइक छीनने की वारदातें सुबह और रात के औकात में होती हैं। उनका यह भी कहना था कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शादी फंक्शन खत्म होने के वक्त ज्यादा की जाती हैं। तो कराची पे आपको ये बताएं कि क्राइम का साया मंडला रहा है और इस साये ने वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह को भी परेशान कर दिया है। सुबह सवेरे मीटिंग्स की जा रही हैं और तश्कील दिया जा रहा है टीमों को कि वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपनी नुमाइंदा नाजिश अय्याज से। नाजिश, इससे मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वजीर आला सिंह मुराद अली शाह की सदारत अहम इजलास इस वक्त जारी है जिसमें चीफ सीपीएलसी और दीगर आला अफसरान शरीक हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम बात जो बताई गई है वो ये है कि एक तो स्ट्रीट क्राइम के औकात कार जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि कारें जो छीनने की बात आते हैं वो 25 पुलिस स्टेशन के हदूद में ज्यादा हो रही हैं। ये एक बात इत्मीनान बख्श भी है कि टारगेट किलिंग में और भत्ताखोरी में नुमाया कमी आई है, लेकिन इसके इतफाक के लिए भी मजीद जो है आगे इकदाम करने की जरूरत है। जबकि मोबाइल स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो रात के वक्त में और सुबह के औकात में चूंकि सन्नाटा ज्यादा होता है इस वक्त ज्यादा हो रही है और शादी ब्याह या हॉल्स के अतराफ में ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए अब इसके ऊपर भी नजर आने की जा रही है कि शादी की तकरीब या इन चीजों के टाइमिंग को जो है मलूजा खाते रखा जाए। इस वक्त ये इजलास जारी है और मजीद अहम फैसले जो है वो मुतवक्का है कि मजीद अहम फैसले क्या होते हैं, क्योंकि इसमें आईजीसी भी मौजूद है तो चीफ सीपीएलसी की तमाम तजावीज है उनको। नाज़िश अय्याज़, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका।